आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, जिसमें से 25% लड़के और 20% लड़कियां फेल हो जाती हैं। तो आपको यह पता करना है कि टोटल में से कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स आपके पास हुए। तो जैसा मैंने कहा कि स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है 3:2, जिसमें से बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं। इसमें से आपके जो लड़कियां, जो लड़के हैं वो 25% फेल हुए हैं, जबकि आपकी लड़कियां 20% फेल हुई हैं। आपको यह पता करना है कि इनमें से कितने परसेंट लड़के ओवरऑल पास हुए हैं। तो आप इसको, बच्चे पता नहीं कितने मेथड अप्लाई करते हैं कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत कुछ करते हैं, बट हम इसको फ्रैक्शन बेस सोल्व करेंगे। 3:2 का जो टोटल सम बनता है वो 5 बनता है। इट मीन्स मैं ये मान सकता हूँ कि स्कूल के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 5 है, जिसमें से 3 आपके बॉयज़ हैं और 2 आपकी गर्ल्स हैं। अब क्योंकि मुझे पासिंग परसेंटेज निकालनी है तो मैं पासिंग परसेंटेज पे ही फोकस करूँगा। अगर 25% फेल हुए हैं, इट मीन्स 75% पास हुए हैं। तो आप कह सकते हो 3 में से ये 75% पास हुए हैं, जबकि यहाँ 20% फेल हुए हैं तो 80% यहाँ कितने हुए बच्चों, पास हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि गर्ल्स में से 80% पास हुए हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है इस फ्रैक्शन मेथड में कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट बिकम्स 225, और इसको मल्टीप्लाई करने रहा, ये बन गया आपका 160%। अगर आप इसको सम कर देते हो, क्योंकि मुझे टोटल पे चाहिए, बॉयज़ अलग आ गए हैं गर्ल्स अलग आ गए हैं, तो आपके पास टोटल हो गए 385%। अब मुझे एवरेज चाहिए तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, आपके पास नेट रिजल्ट कितना आएगा, 77%। ये वो है जो टोटल आपके पास हुए हैं। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक काम करती है जिसमें आपको पेन तक उठाना नहीं पड़ेगा, वो ये कि ये 3:2 हैं और ये 25 और 20 है। अगर इस रेशो में किसी एक का सम 23 बने और किसी दूसरे का डिफरेंस 23 बने, इसका मतलब ये है कि टोटल जो फेल हुए हैं वो 23% फेल हुए हैं। तो पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी आपकी, 100 माइनस 23, नेट वैल्यू विल बी 77%। तो इतना बड़ा सोल्यूशन आपको करना नहीं पड़ेगा, बट ये कंडीशनल है कि इसके लिए कंडीशन ये है कि इसका सम आपका 23 बनना चाहिए और इसका डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, 23। देन यू कैन सोल्व इन दिस वे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था टॉप 10 सीरीज का। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि क्या मैंने सोल्यूशन किया है, अगर कहीं भी आपको लगता है। तो सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि किसी परीक्षा में टोटल 400 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से पहले 40% में से एक विद्यार्थी ने कुल 50% क्वेश्चन ही ठीक किए। तो आपको पता करना है कि बचे क्वेश्चनों में से कितना परसेंट का वह सही जवाब दे कि कुल पर उसे 44% अंक हासिल। चलिए सोल्व करते हैं। एग्जाम में टोटल, आपको मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, नॉर्मल आम जिंदगी वाला मेथड जिसको आप सभी अप्लाई करते हो, कि टोटल क्वेश्चन 400 पूछे गए हैं। इसमें से पहले 40% में, यानी कि 400 का 40%, तो टोटल क्वेश्चंस कितने किए हैं उसने, 160 किए। इस 160 में से उसने 50% क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। इट मीन्स 160 का 50%, 80 क्वेश्चंस वो करेक्ट कर चुका है। तो इधर आपके पास 400 में से अगर 160 क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं तो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचे, 240। अब अगर बचे क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो वो 240 में से करने हैं, जबकि ओवरऑल कितना परसेंट ठीक करना है, ओवरऑल अटेम्प्टेशन शुड बी 44%, कि कुल में से उसको 44% ठीक करने हैं। तो 400 का 44% यानी 44% कितना होगा, 176 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन वो ठीक कर चुका है, तो बचे में से कितने परसेंट, कितने क्वेश्चन वो ठीक करने होंगे, 176 माइनस 80, तो कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, 96 क्वेश्चन, किसमें से, 240 में से। तो परसेंटेज आ जाएगी आपकी 96 बाय 240 इंटू 100।
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40%। यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चन में से कितना ठीक करना पड़ेगा आपको, 40% ठीक करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसका अल्टरनेटिव कहूँ तो अल्टरनेटिव मेथड हम इसको रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। रेशियो मेथड से कैसे, आपने ये फोकस करना है कि कितने भाग में से पहले कितने भाग को अटेम्प्ट किया है। अगर पहले 40% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू बनती है 2/5, जिसका मतलब है 5 में से 2 क्वेश्चन, तो 5 में से क्वेश्चन बचे कितने, 3। इन 2 में से कितना परसेंट ठीक किया है, 50%। तो 2 का अगर 50% ठीक किया है तो टोटल कितना ठीक किया है, 100%। जबकि टोटल पे ठीक करना कितना है, 44%। अगर आपको 44% ठीक करना है 5 पे, तो नेट सम कितना हो जाएगा, 220%। यानी कि 220 में से 100% यहां कर चुका है, तो 3 पे कितने रह गए, 220 माइनस 100, तो 3 बराबर आ जाएगा आपका 120%, जिसमें 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40%। यही अपना आंसर यहां पे आया था। तो आपको जब आंसर सिर्फ परसेंटेज में पूछा जाता है और आंसर परसेंटेज में ही देना हो तो ये मैटर नहीं करता है कि टोटल वैल्यू क्या है। बजाय आप इन सब के आप डायरेक्टली फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि 40% क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए थे, इट मींस 2/5, जिसका मतलब है 5 में से 2 क्वेश्चन। 5 में से 2 क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट किए तो 5 में से कितने क्वेश्चन रिमेनिंग रहे, 3। इन 2 में से कितना परसेंट ठीक किया, 50%। तो 2 पे अगर 50% ठीक किया तो टोटल कितना ठीक किया है, 100%। ओवरऑल करना कितना है ठीक, 44%। तो 44 × 5 नेट वैल्यू कितनी, 220%। इस 220 में से यहाँ वैल्यू कितनी अटेम्प्ट की है, 100%। तो रिमेनिंग कितना रहा, 120। 3 पे अगर 120 है तो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 40%। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए जरूरी था आने वाले एग्जाम्स के लिए। लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ताजा फलों में कुल 80% पानी है, जबकि सूखे फलों में 20% पानी है। यदि सूखे फलों को ताजा फलों से बनाया जाए तो ज्ञात कीजिए 400 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास 2 तरह के फ्रूट हैं, एक है फ्रेश फ्रूट और एक है ड्राई फ्रूट। अब आपको जो ड्राई फ्रूट बनाना है वो फ्रेश फ्रूट से बनाना है, और स्टेटमेंट ये है कि फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है, जो आप सभी को पता है कि फ्रेश फ्रूट में पानी ज़्यादा होता है। तो इसमें से 20% क्या है, पल्प, जिसको हिंदी में गुदा भी कहते हैं। तो ड्राई फ्रूट में कितना पानी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट है तो पानी क्या होगा, कम होगा। तो ड्राई फ्रूट में परसेंटेज कितनी है वाटर की, 20%। अगर ड्राई फ्रूट में वाटर 20% है तो एग्जैक्टली पल्प कितना होगा, 80%। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो वैल्यू चेंज हो रही है उस पर आपने ध्यान नहीं देना है। जो वैल्यू आपकी पहले भी फिक्स थी और बाद में फिक्स थी, सिर्फ उस पर ध्यान देना है, बशर्ते उसकी परसेंटेज चाहे भी चेंज हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, फ्रेश फ्रूट टोटल कितना है, 400 kg। अगर किसी भी फ्रूट को मैं धूप में रखता हूँ सूखने के लिए, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी की कंपोजिशन चेंज होगी, सिर्फ पानी उड़ेगा। तो आपके पास जो पल्प है पहले और जो पल्प है बाद में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि पल्प की मात्रा पहले और पल्प की मात्रा बाद में आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स आप कह सकते हो कि 400 का 20% इक्वल टू होगा, लेट की ड्राई जो है वो एक्स के जी है, तो ड्राई का एक्स का 80% आपस में बराबर होगा। क्योंकि साफ साफ पता है कि वाटर कंपोजिशन चेंज होगी, पल्प की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जितना पल्प पहले था उतना ही पल्प बाद में है। तो 400 का 20% और एक्स का 80% आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू होगी 400 × 20% / 80%। इसमें ये कैंसिल हो गया। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 kg। यानी 400 kg फ्रेश फ्रूट से आप कितना kg ड्राई फ्रूट बना सकते हो, तो वो आपके पास होगा 100 kg। अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप वापस वीडियो को रोक सकते हो और चेक कर सकते हो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बट एक बात इन क्वेश्चंस में दिमाग में रखें कि जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है वो पहले और बाद में
सेम होगी। बस यही का फायदा मैंने उठाया है कि 400 का 20% और ड्राई फ्रूट का 80% बाद में आपस में क्या होगा, सेम होगा। जिसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास कितना आया, 100 kg। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस दी फोर्थ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 10 किलोग्राम अतिरिक्त खरीद पाता है यदि दाम में 20% की कमी हो जाए 200 रुपए के अंदर। यानी 200 रुपए में जितना वो पहले खरीदता था उससे 10 किलोग्राम ज्यादा खरीद पाता है क्योंकि दाम में 20% की कमी आ गई थी। तो हमें यह पता करना है कि अनाज का वास्तविक दाम क्या था प्रति किलोग्राम। आइए इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात हम समझेंगे पहले कि किसी भी व्यक्ति का जो कुल खर्च होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है कि दाम क्या है और खपत कितनी है। दाम का मतलब वो पर केजी कितने में सामान लेके आ रहा है। मान लीजिए अगर किसी के पास 100 रुपये हैं और वो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है तो वो कुल खपत कितनी कर पाएगा, 2 किलोग्राम। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए वो मार्केट गया सामान लेने के लिए और उसके पास अभी भी 100 रुपया है, पर अब उसके पास जो दाम है वो हाफ हो चुका है यानी कि 25 रुपये पर केजी हो चुका है। तो अब वह उतने ही रुपयों में कितना सामान खरीदेगा, 4 kg। यानी कि यहाँ से एक बात पता लग रही है कि दाम की जो रेशो है उसका उल्टा रेशो किसकी आ रही है, खपत की आ रही है। अगर दाम आपका ए अनुपात बी है तो खपत आपकी कितनी होगी, बी होगी। जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 50 और 25 की रेशो अगर कैंसिल करोगे तो वो 2:1 आई है जो कि दाम की रेशो है। अगर आप खपत की रेशो लेते हो 2:4 इसको कैंसिल करोगे तो ये रेशो कितनी आएगी, 1:2। यानी कि यहाँ अनुपात अगर ए बी है तो यहाँ अनुपात कितना होगा, बी। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो, दाम को 20% कम किया है, 20% कम करने का मतलब है 5 में 1 की कटौती करना। यानी दाम वास्तविक क्या था, 5 था, उसमें से 1 घट के दाम कितना रह गया आपका, 4। अब खपत कितनी होगी, मैंने अभी तो बताया था कि क्रॉस हो जाती है, यानी वास्तविक खपत होगी 4 और आपकी खपत होगी 5। अब 4 और 5 का अंतर कितना है, 10 kg, जो कितने के बराबर है हिस्से में, 1 के बराबर है। तो अगर 1 की वैल्यू 10 केजी होगी तो ऊपर से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 kg। अब ये 40 kg आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, 200 रुपए में। तो अगर 40 kg की कीमत 200 रुपए है तो 1 kg की कीमत 200/40 यानी कि 5 रुपए पर केजी आ जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दिखाई देता है तो इतना अगर आपके समझ में आ जाता है कि अगर कुल खर्च बराबर रखते हुआ तो दाम की रेशो का रिवर्स क्या रहेगी, खपत की रेशो। तो दाम अगर 5 से 4 हो रहा था तो खपत आपकी 4 से 5 हो रही है। इट मींस खपत में हिस्सों में अंतर कितने का है, 1 का, जो कितने के बराबर है, 10 kg के। 1 अगर 10 kg के बराबर है तो 4 कितना हो गया, 40 kg। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिफ्थ नंबर। एक व्यक्ति कुछ 40 वस्तुएं किसी दाम पर खरीदता है परंतु अचानक दाम में 20% की कमी आ जाती है, तो आपको यह पता करना है कि अब वह उतने ही रुपयों में कितनी वस्तुएं खरीदेगा। जो लास्ट क्वेश्चन फोर्थ का कंसेप्ट था वो सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा क्योंकि टोटल खर्च बराबर है उनका। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं कि 20% दाम कम हुआ है, 20% अगर दाम कम हुआ है इसका मतलब है 5 में 1 की कमी आई है, तो आपका दाम रहेगा 5 में 1 कम होने के बाद 4। तो खपत कितनी रहेगी, आपकी खपत रहेगी 4-5, क्योंकि मैंने अभी कहा था ये चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब पहले वाली खपत कितनी है, 40 kg, और वो खपत हिस्सों में कितनी है, 4। तो मैं कह सकता हूं 4 किसके बराबर है, 40 kg के। तो 1 बराबर किसके हो गया, 10 kg। तो 5 किसके इक्वल आ गया, 10 × 5, और आंसर आ गया 50 kg। तो विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 20% डाउन हुआ है तो दाम 5 से 4 हो गया है,
खपत आपकी इसका रिवर्स होगी, वो कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। पहली खपत कितनी थी, 40 आर्टिकल्स की, 40 वस्तुओं की, तो 4 बराबर 40 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, 10 केजी। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 10 50 केजी। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन।